ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस महानिदेशक एसआर मंडी ने मध्य जोन मंडी की पुलिस लाइन में आयोजित एसएचओ सम्मेलन में कहा कि मध्य खंड में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और पुलिस बल ने आपराधिक घटनाओं का पता लगाने तथा अपराधों की रोकथाम करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। पुलिस महानिदेशक एसआर मंडी ने मध्य जोन मंडी की पुलिस लाइन में आयोजित एसएचओ सम्मेलन में कहा कि मध्य खंड में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। पुलिस बल ने आपराधिक घटनाओं का पता लगाने तथा अपराधों की रोकथाम करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। पुलिस ने सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं कानूनों की जानकारी के साथ बदलते आपराधिक परिवेश में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पुलिस ने आधुनिक तकनीक से विभिन्न नई योजनाओं को समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रभावी रूप से सफलतापूर्वक लागू किया है। प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और लोगों को सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में मध्य खंड में कानून एवं व्यवस्था अत्यंत संतोषजनक रही है। गत वर्ष में पंजीकृत अधिकतर लोगों को सुलझा लिया गया है, जिसके कारण आम जनता में पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति संतोष है। इस अवधि के दौरान बांग अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। संयुक्त रणनीति विकसित करने व मांग व आपूर्ति को कम करने के लिए पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। नशाखोरी के विरुद्ध आम जनता विशेषकर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों को पंचायत स्तर पर विस्तार किया जा रहा है, जल्द ही गांव स्तर पर इसे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नशे की समीक्षा पर कमेटी की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी एवं दुरुपयोग रोकथाम के लिए कई जानी मानी हस्तियों ने जागरूकता अभियान में भाग लिया, जिससे काफी हद तक हम नशे पर लगाम लगाने में सफल हुए हैं। अब पुलिस ने स्कूल में कैंडिडेट योजना शुरू की है, जिसमें बच्चों को सामाजिक बुराइयों को दूर करने, देशभक्ति सिखाने और आदर्श नागरिक बनने के गुर सिखाए जाएंगे। चिन्हित स्कूलों को प्रति स्कूल इस कार्य के लिए 50,000 रुपए की राशि जारी की गई है। जैसा कि आप सबको विदित है, जो हर 3 महीने में हम हर रेंज में एसएचओ कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो सेंट्रल रेंज है, जिसमें 5 जिला है, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल एंड स्पीति, उसका रिव्यू आज हुआ है। लास्ट मीटिंग मई एंड में आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस हुए, उस वक्त अभी 3 महीना पूरा हुआ था, अगस्त एंड में असेंबली सेशन चला हुआ था, इसलिए आज हमने ये आयोजित किया। और जब से हमने ये एसएचओ कॉन्फ्रेंस शुरू किया तो जो गैप होता था जो सीनियर ऑफिसर्स और एसएचओस के बीच में, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। और हमारा जो एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पे हम जो अनसॉल्व केसेस है उस पर हम गाइडेंस देते हैं और कामकाज में सुधार आया है। जो सेकंड एसएचओ कॉन्फ्रेंस का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पहला एसएचओ कॉन्फ्रेंस से बेहतर रहा, लेकिन आज जो एसएचओ कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें हमारे साथ देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है और थेफ्ट और बर्गलरी केसेस में कमी आई, रिकवरी बढ़ी और जो मेजर हेड्स में क्राइम में भी कम हुई है, लेकिन कमी हुई। लेकिन ये नहीं कह सकता हूँ कि ये क्रेडिट क्राइम में कम होना जो है पुलिस की वजह से है, लेकिन सुलझाने का जो प्रयास है वो बेहतर ढंग से किया जा रहा है।